देख ये भगवान का इशारा है कि मतलब बिल्कुल सही समय है उनके आने का. किनके आने का? कमिश्नर के बेटे के. कमिश्नर का बेटा आ रहा है? क्यों, क्या हो गया हमारे घर में? अरे हुआ ना है, लेकिन है ना, कम हो जाएगा. हाँ? अरे तेरे रिश्ते के लिए. देख कितनी बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, है ना, कि तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आया. लेकिन ये सब ऐसे कैसे? ना देख, सब उसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी है. और सबसे बड़ा मैं तो मतलब धन्यवाद देना चाहूंगा उस रसोइये का, दरोगा पिंकी दरोगा का, जो इतना अच्छा रिश्ता लेके आया हमारी बिटिया के लिए. लाइफ में टंटे हो रखे हैं. लो. अरे हम भमरा तुम भमर गली आ जाओ. जीजाजी छत पर हैं. गुड मॉर्निंग इलायची जी. और जीजाजी बिल्कुल छत पर हैं और आप ही के लिए गाना बना रहे थे. बहुत बढ़िया. एक काम कीजिए, आप गानों की ना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि जब मेरी शादी होगी ना तो मेरी शादी के हर फंक्शन में ना आपको ही गाना गाना है. वेरी गुड. शादी? क्या बोल रही हैं आप? ये लोगों ने पूरी शादी की प्लानिंग भी कर ली मुझे बताए बगैर. वेरी बैड, मैं तुमसे कट्टी. अबे साले तू बड़ा छुपा करेला निकला है. यहाँ हमारे प्यार की गाड़ी पंचर हुई पड़ी है और तू टॉप गेयर लगा के शादी के मंडप तक पहुँच गया. साले तेरी घोड़ी चौंका देंगे, मंडप पे ना जाने देंगे. मिंटू जी, शादी के मंडप तक पहुँचने वाली सेल्फी. हाँ ले लो ले लो. इलायची जी हमारी बात तो सुनिए, क्या हो रहा है यार? हमारी शादी हो रही है और हमें पता भी नहीं. नहीं नहीं हमारी नहीं, वो क्या है ना, पिंकी अंकल रिश्ता लेकर आए थे और मेरे पापा की ना ऑलरेडी हाँ है. वो बढ़िया. क्या क्या ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जो आप यहाँ आराम से बैठ के ना रियाज कर रहे थे. चीजा जी, मुझे पता था कि आपके बस की कुछ भी नहीं है. मतलब प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार को निभाने की मतलब ताकत ही नहीं है. मतलब हाथ नहीं मांग सकते तो पोक गए. अरे इलायची जी ऐसी बात नहीं है, आप सेठ जी के गुस्से को जानती नहीं. और आप मुझे नहीं जानते जीजा जी. आपसे बोल रही हूँ, चिल्लाए पड़ी हूँ, हाथ मांग लो हाथ मांग लो, लेकिन नहीं, हाथ नहीं मांगा. बोला था कि कोड़ा के ले जाएगा, अब देखो ये दिन आ गया है. इलायची जी आप हमारा विश्वास कीजिए, हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे. अरे इलायची जी बिल्कुल ठीक कह रही, तू कुछ ना कर पाएगा, तेरी बात में दम ही ना दिख रहा है, तरफों का इंसान. अरे जाके छाती चौड़ा करके बोल सेठ जी से कि शादी करनी है, देखें कैसे मना कर देंगे. हम बात करेंगे. अरे दो मिनट चुप हो जा मेरे भाई, शांत हो जा यार. इलायची जी हो सकता है कि हर बार की तरह इस बार भी रिश्ते में कोई खोट निकले और सेठ जी अपने आप मना कर दें. तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस बार रिश्ता बहुत ही अच्छा हो वाकई में, और आज की आज ही पापा मेरी मंगनी तय कर दे और कर ही दे आज. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, क्यों ऐसे चिढ़ा रही हैं हमें ये सब बोल तो के? क्या बोलूं? सोचो यार, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, समझ नहीं रहे हो आप. इलायची क्या अंकल टंटे हो रखे हैं. क्या करूं? यार क्या करें? वाह वाह भाभी जी क्या पकोड़े, मजा आ गया. अरे सेठ जी इलायची को आने में बहुत देर होगी, मतलब क्या बात होगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं. आ जाएगी इलायची, तब तक आप पकोड़े खाइए ना दरोगा जी. अरे भाभी जी जब से पिंकी जी आए पकोड़े तो खा रहे, चटनी में लगा लगा के खा. अरे मजेदार चटनी बनाई भाभी जी. एक बात बताओ. हाँ. इस चटनी में ना तो आपने डाला अमचूर है ना नींबू, तो डाला क्या है? अनारदाने डाले हैं. अनारदाना? अरे वाह वाह, लो सेठ जी पिंकी जी को नई रेसिपी मिल गई चटनी की. वाह. अरे पिंकी जी. हाँ जी. मैं कह रहा हूँ कि कमिश्नर साहब से आपने बात की. हाँ. देखिए हमारी तरफ से तो हाँ है. अरे सेठ जी. हाँ. पिंकी जी ना होने भी ना देंगे, आपको पता नहीं है अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो पिंकी जी का कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा. नुकसान? पकड़ा गया. अरे मतलब
सेठ जी समझ नहीं रही, अगर रिश्ता होगा तो पिंकी जी को दो दो जगह से मिठाई के डब्बे आएंगे भाई, लड्डू है, और अगर ना हुआ रिश्ता तो पिंकी जी का तो लड्डू का नुकसान हो गया, मिठाई का नुकसान है। ये कह रही है। अरे सेठ जी एक काम करो, देखो पिंकी जी को देर हो रही है, इलायची को बुलवाओ यार जल्दी। खेलूंगी, मेरी प्यारी मम्मी, मेरी नारी मम्मी, मेरी सबसे दुलारी मम्मी, मम्मी 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 पिंकी अंकल, पिंकी अंकल अच्छी के लिए कॉल आया हो, मैं पिंकी अंकल के साथ खेलूंगी। हेड्स अप, पिंकी अंकल आउट हो गए। घूमी चलो मम्मा, घूमी चलो, घूमी चलो, घूमी चलो, मेरे तो धागे फूट गए। अरे इलायची बेटा इधर आ, तू मेरे पास आ। आराम से बैठा, आराम से। तो बड़ा से इसमें ये फ्रिज है ना, इसमें खाना है कितना सारा खाना है। अरे सुन इलायची बेटा मेरी बात तो सुन। सुनने सुनाने को बचा क्या है भैया। एक मिनट सेठ जी, कहीं इलायची पिंकी जी का अप्रैल फूल तो ना बना रही है। अरे पापा की आंखें। प्रणाम सेठ जी। आइसक्रीम आइसक्रीम लाएंगे, आइसक्रीम। चलो चलो आइसक्रीम ही दे रहा बाद में। अरे सेठ जी, सेठ जी कोई पिंकी जी को बताएगा यहाँ चल क्या रही है। बाबा घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, घोड़ा टिक टिक, चल चल घोड़ा बड़ो करो गाड़ी। अब आपसे क्या छुपाना, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इलायची जो है अपने फोन में घुसी हुई थी और सड़क पर चल रही थी, अब ऐसा फोन में घुसी घुसी जाके सीधे खंबे से टकरा गई, टकराने के बाद उसका ये हालत हुई है कि वो 4 साल की बच्ची की तरह बिहेव करने लगी। अच्छा आज सुबह जब मैंने उसे उठाया तो बिल्कुल ठीक थी, अच्छी तरह से बात कर रही थी, और फिर खंबे से टकरा गई। अरे इस खंबे की तो अरे रुको यार सेठ जी, आप इस खंबे को छोड़ो, आपको पता है क्या किया आपने, पिंकी जी का करियर दांव पे लगा दिया सेठ जी। करो भाजी आप एक काम करो, लड़के वालों को बोलो कि वो अभी ना आए, है ना, जब इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना मैं आपको बता दूंगा। अरे पता कितना मुश्किल काम है, लेकिन ट्राई करते हैं पिंकी, जब करे क्या, बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। अरे यार मैं बस एक चीज में लेके आती हूं, मैं अभी आ रही हूं। कहां जा रही है ये, मम्मा देखो मैं कहां लेके आई। सेठ जी खेल लीजिए। अरे बेटा मैं ना खेलूंगा, वो पापा के पास, पापा ना मम्मा अपने ऊपर डाल दो। अरे री मत तुम री मरी री मरी मैया, कुर्ते में घुसो ततैया, कुर्ते में घुसो ततैया। पिंटू जी कैसी हैं आप? चिड़चिड़ी हूँ, मेरा मतलब गर्मी हो रखी ना तो सिर जो है ना भन्ना रहा है, मन कर रहा है किसी को मुंह तोड़ दें। हो पिंटू जी ये गर्मी ना अपने सर पे मत चढ़ने दीजिएगा, क्या है ना आप तो पहले से इतनी हॉट है। अरे पिंटू जी छोड़िए ना, देखिए मुझे तो सुनने से पता है कि इलायची जो है वो खंभे से टकरा कर बच्ची बन गई, अब बताइए खंबा भी कोई टकराने की चीज है। खंबे से ना तो क्या लोग आपसे टकराते घूमे हैं? अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी देखिए मतलब मेरा कहने का मतलब है ध्यान से चलना चाहिए ना, है देखिए मैंने तो सुना तो मुझे तो बहुत चिंता हुई आपकी, और मैं फौरन दौड़ के आपके पास आ गया,
सोचा आपको आपको क्लास देता हूँ कि खंबे से कैसे बचा जाए। ना 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 सोन पापड़ी, यहाँ ज्ञान देने की जरूरत ना, हमें सब पता कैसे बचा जाए, ठीक है? यहाँ ज्ञान मत झाड़ो। अरे पिंटू जी देखिए, बिना वक्त गवाए आप ये सब छोड़िए 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 और आप इधर आइए यहाँ, और मैं यहाँ। अब मान लीजिए पिंटू जी कि मैं एक खंबा हूँ और आपको मुझसे बच के निकलना है, बताइए कैसे निकलेंगी? कैसे क्या, ऐसे निकलेंगे? ये क्या सुन पापड़ी, खंबा उधर से इधर कैसे आ गया? क्योंकि ये तो दूसरा खंबा है ना। अच्छा ना ना सुन पापड़ी, जे बेमानी भाई, देखो खंबे के पैर ना होते हैं जो खंबा इधर से उधर फुदकेगा। पिंटू जी समझने की कोशिश कीजिए भाई, खंबा तो कहीं भी हो सकता है ना, बस मैं तो आपको सचेत कर रहा हूँ। चलिए फिर से ट्राई कर दे, फिर से जाइए जाइए जाइए, मैं छोड़ के आता हूँ बस। ऐसे खंबे से ना हाँ ऐसे ही बचते हैं, ठीक है? अच्छा आपने जो हमको ज्ञान दिया ना उसके लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। साला एक ही रेपटे में क्यों निकल गई इसकी? और ये हमारा स्पेशल लहंगा। ये लहंगा कितने का है भाई? ये 30,000 रुपए का। कुछ कम का बताइए। हाँ जरूर जरूर, आप एक सेकेंड, ये वाला लहंगा देखिए, बहुत ही प्यारा कलर है और आपके बजट में भी है, मात्र 20,000 रुपए। मजा नहीं आया भाई, कुछ कम का बताइए। अबे अमरूद खरीदने आया है जो, और कम का बताइए और कम का बताइए। बार बार मुंडी हिला रही है, यहाँ बैठ गए भाई, आ जा चल, टाइम पास करने आता है ये, तुझे पता है ये पीछे ही इसकी दुकान है, अग्रवाल है ये, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, आ गया। क्या हो गया सेठ जी? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसे इसमें रोने वाली बात नहीं है सेठ जी, प्लीज मत रोइए, एक ग्राहक गया है, आप कोई कंगले नहीं हुए। अरे तू जानता है ना कि कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया इलायची का, मैंने तो सोचा था पूरी जिंदगी के कर्मों का फल है मेरे, लेकिन एक अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। सेठ जी आपसे एक बात कहें, बहुत समय से हमारे दिल में कचोट रही थी, अब बुरा तो नहीं मानेंगे? तू मेरा ताऊ लगता है तो बुरा ना मानूंगा। नहीं हम बता रहे हैं, वो तो बोल ना जल्दी, वो हमें डर लग गया था, तो कोई बात नहीं, सॉरी सेठ जी। बता। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि सेठ जी जो ये रिश्ता आपके पास आया है ना, हमें ऐसा लगता है कि ये आपके अच्छे कर्मों का नतीजा नहीं है, ये आपके कुकर्मों का नतीजा है। जी 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 बिल्कुल, ये जो लड़का है बहुत मनहूस है और अपशगनी है, ये ऐसा मतलब। क्या बक रहा है तू, क्या बक रहा है ये बता। सेठ जी देखिए हमें ऐसा लगता है, देखिए अगर आपने ऐसे थोड़ा सा नोटिस किया हो कि देखिए इलायची जी सारा टाइम हमेशा मोबाइल फोन पे व्यस्त रहती हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी चोट नहीं लगी, कभी खंबे से नहीं टकराई, लेकिन जब से ये रिश्ता आया है उन्होंने जाके पता नहीं उन्हें मतलब खंबे से टकरा गई, और आप समझ रहे हैं इसका मतलब? इसमें समझने वाली क्या बात है, लड़के ने क्या खुद गाड़े हैं खंबे, वो अपनी गलती से खंबे से ज्यादा टकराई है तभी तो चोट आई है। मैंने कितनी बार इलायची से कहा कि बेटा सड़क पर देख कर चला कर। देखिए सेठ जी हमारे कहने का मतलब ये है कि ये घर किसका है? आपका। दुकान किसकी है? आपकी। बेटी किसकी है? आपकी। तो तू कौन होता है रिश्ता तय करने वाला, बात कर रहा है बेकार की। पापा पापा जल्दी से 50 रुपए दीजिए ना, मुझे टिक्की खानी है। तू ठीक हो गई? हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो बस ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही सो गई, लेट उठी थी। पैसे दीजिए। क्या पहले क्यों ना ठीक हुई, वो लड़का हाथ से निकल गया। अरे पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा।
और हो सकता है कि आसपास ही हो। आप बस अपनी आंखें ना यूं खुली रखिए, ओके पापा? अरे तब की तब देखी जाएगी, मेरी तो कुछ समझ में ना आ रहा। ले ले 100 रुपए ले और सुन, बादाम का दूध पी लियो, थोड़ी ताकत आ जाएगी। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। अबे भाग यहाँ से, बात कर रहा है बेकार की। थैंक यू पापा, यू सो क्यूट। बाय बाय। और लोटे का है रोए, हाथों को तेल पिला रहे हो, देख। ओहो क्या बात है लोटे, हैं? अपने हाथों को बहुत तेल पिला रहा है। अरे इससे कुछ ना होने वाला, तेल की जो है बर्बादी अलग हो रही है। सेठ जी बैठो तो सही, देखो कैसे पेलता हूँ आज तुम्हारे सर को मैं। ओहो जोश से तो ऐसा लग रहा है जैसे लट पेलेगा एकदम। तो शुरू करूँ मैं? चल कर। तो जेलो फिर। वाह वाह लोटे वाह, तूने तुझे छोटी की याद दिला दी तूने आज। सीढ़ी मजा आ रहा कि नहीं? अरे मजा तो बहुत आ रहा है, और तो और अब तो नसों का फड़फड़ाना भी बंद हो गया। सुन जरा गर्दन के पीछे खींच जरा कायदे से। क्या बात है लोटे, हैं? आज नाश्ते में तू क्या लोहे के चने खा के आ रहा है क्या, हैं? या ऐसा लग रहा है जैसे जहां पे एक हाथ मारेगा दीवार पे वहीं छेद हो जाएगा। सीढ़ी सर पे मुक्का मार दूं खींच के। रख नहीं रहा तूने लोटे वाली बात, हैं? अरे बेटा देख, मालिश जो है ना वो एक कला है, कला समझ रहा है, इसमें और म्युनिसिपैलिटी के जो है गड्ढे होने में फर्क है, समझ तू बात को? और इलायची कैसी है? अबे एक दूंगा मुंह पे, गड्ढा कर दूंगा। बात कर रहा है बेकार की। हाँ भाई क्या चल रहा है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे आप ही को तो याद कर रहा था मैं। अरे सेठ जी आप सिर्फ ये बताइए पहले कि इलायची की तबीयत कैसी है अभी? पता है पिंकी जी एकदम दुखी सी हो रखे है, पता नहीं किसकी नजर लग गई यार। खुद की लगी है मनहूस। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि पता नहीं किसकी नजर लगी है आपको, मतलब आप जैसे साधु आदमी का काम बिगड़ रहे हैं, बताइए बताइए। अरे दरोगा जी, मुझे ना पता था कि इलायची का रिश्ता टूटने के बाद जो है आप इतने दुखी हो जाओगे। लेकिन एक खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। क्या? केलाई जी बिल्कुल ठीक हो गई है, आज जब सुबह उठी ना हो तो बिल्कुल एकदम सही बातचीत कर रही थी। क्या बात कर रही है छेड़ जी, आपने सच्ची बता, आप एक बिल्कुल सच कह रही है। अरे अरे छेड़ जी आपको पता है पिंकी जी ना सुबह से एकदम मुरझाए हुए फूल की तरह पड़े हुए थे। आपकी बात सुनकर कच्ची कली खिल गई। अरे छेड़ जी और देखो भगवान जी का सिग्नल, वो लड़का जो है ना वो गया था एयरपोर्ट फ्लाइट पकड़ने के लिए, ना जा पाया, वो एयरपोर्ट में हड़ताल थी वापस आ गया। अबे मार देगा क्या आज भी तू,
क्या कर रही है तू दरोगा जी? क्या मतलब अभी भी थोड़ी बहुत उम्मीद है? अरे सेठ जी आप क्या बात कर रहे हो, पिंकी जी तो पूरी उम्मीद से हो रखे हैं। नहीं 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 मतलब पिंकी जी का मतलब ये हो रहा है कि पिंकी जी दुनिया में ना उम्मीद पे ही तो कायम है। अरे सेठ जी पिंकी जी जाएंगे अभी जाके कमिश्नर साहब से मिलने का प्रोग्राम फिक्स करके आकर आपको बता देते। अरे इसका स्विच बंद करो सेठ जी, थोड़ी बातचीत तो करे, रुकना तू बात, क्या बोलना चाह रहे बोलो। दरोगा जी हाँ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब मैं यह कर्ज जो है ना वो आपका जिंदगी भर ना चुका पाऊंगा। अरे सेठ जी आप समझिए कि आपका कर्ज चुका है जो भी है। अरे इलायची जो है ना अपने घर की बच्ची हो रखी है सेठ जी, क्या बात करिए आप, मैं बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो कहाँ देख रही है? उम्मीद देख रही हूँ। आ जाओ उम्मीद से, चलिए आप एंजॉय कीजिए, आना चल उधर चले।